इतनी राइडें हैं ना इसने PWD में, राइडों की भरमार है। शिवलाम में खुश आमदीद। अभी ड्राइवर स्टार्ट किए और अभी मुझे पहली राइड मिली है, तो यकीन करें काम बिल्कुल मतलब कि डाउन हो चुका है। प्राइसेस बढ़ गई हैं पेट्रोल की और काम दिन ब दिन डाउन जा रहा है। और यकीन करें 10-10 किलोमीटर की राइडें आई हैं, ठीक है। मैंने उनको 590 इस तरह बोला है, मुझे राइड नहीं मिली। लोग जो है 550 में लेके जा रहे हैं। अब ये देखें 2 बज गए, कस्टमर की लोकेशन पर जा रहा है, ये 600 रुपये की राइड है, 590 रुपये की राइड है, 10 किलोमीटर की राइड है। इसको गीगा मॉल के पास छोड़ना है और बैरियर फेज 8 से पिक करना है इसको। कॉल आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहे थे। तो जिन भाइयों के पास देखें 10 लाख रुपए है ना, अगर वो कह रहे हैं कि आल्टो लेनी है पाकिस्तानी पुरानी वाली, तो आप उस तरफ ना जाएं। तो आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप कल्टस लें, ठीक है ना। कल्टस 2008 मॉडल ले लें, 9 मॉडल 10 मॉडल ले लें, वो बेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि कल्टस पेट्रोल पे आपको जो एवरेज देती है वो 16-17 शहर के अंदर देती है। जो आल्टो है जो पाकिस्तानी पुरानी, वो आपको शहर के अंदर 13-14 मैक्सिमम देगी पेट्रोल पे, ठीक है ना। तो ये सीन है, आप कल्टस का ये है कि आप उसको पेट्रोल पे भी चलाएंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। तो आल्टो का ये सीन है कि आपकी अगर CNG नहीं लगी ना या LPG तो आपको फ़ायदा होगा ही नहीं। तो आप कोशिश करें कल्टस की तरफ जाएँ, बड़ी गाड़ी अच्छी गाड़ी है वो बेस्ट है इन ड्राइवर के लिए, अगर आपके पास 10 लाख का बजट है। गाइस ये अभी मैंने राइड ड्रॉप की है DHA 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना आप, अजीब है, मतलब बाहर जाना है। आप ये कह रहे हैं आपका कार्ड नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते यहाँ से। तो अब मुझे यहाँ से वापस जो है ना लंबा रूट लेके वापस बाहर जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है ना। अब ये पहले ओपन थी, ठीक है, पहले ये बाहर जाने का रास्ता ओपन था। तो ऐसा जलील करते ना कसम खुदा की DHA वाले, जितना हो सकता है इनका जितना बस चलता है ना ये जलील करते हैं बंदे को, चाहे जैसे भी करें, ठीक है ना। उस दिन ही मैं DHA 2 में एंटर हुआ हूँ, मुझे आगे एक गार्ड रोक लिया, ठीक है। गार्ड ने रोका, मुझे बोलता कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ मैकडोनल्ड। तो कहता जी आप मैकडोनल्ड क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा वहाँ पे क्या करने जाते हैं आपको नहीं पता। तो अजीब सवाल करते हैं यार। फिर कहते जी आपका तो स्टिकर लगा नहीं है DHA का। तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि मैं DHA में रहता हूँ, मैंने कहा जो बाकी रहता तो क्या वो नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। मैंने कहा अब तुम्हारे इधर एक चक्कर के लिए मैं जो है ना स्टिकर लगवाता फिरूँ, ठीक है ना। अजीब जाहिल लोग हैं वो, आप वॉक एंड चले जाओ, ठीक है, वॉक एंड वो भी आर्मी का एरिया, ठीक है ना। और वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वहाँ पे जो है ना मैं जब जाता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, आपका आईडी कार्ड लेके, ठीक है, उसको स्कैन करते हैं कैमरे के आगे, बस ऐसे रख के ना राइट लेफ्ट उसको स्कैन करते हैं, देन आपको एक पर्ची देते हैं, आप इंटर हो जाते हैं वॉक एंड के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, ये नहीं है कि आप अगले को जो है ना रोक के खड़े हो जाओ, उसका टाइम वेस्ट करो, जैसे ना मज़े लेते हैं, ठीक है ना। इनके जो चौकीदार हैं ना DHA के जो चौकीदार हैं, इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो टाइम पास करते हैं, मज़े लेते हैं, ठीक है ना। ये जो DHA 2 को जो मैनेज कर रहे हैं ना सिक्योरिटी को और इन चीज़ों को, तो मैं उनको यही कहूँगा कि ज़रा होश करो, ठीक है ना। अल्लाह ने तुम्हें इस पोस्ट पर पहुँचाया ना, तो थोड़ा मैनेजमेंट एक चीज़ होती है मैनेजमेंट नाम की, तो अगर मैनेजमेंट सही नहीं होती ना तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए कि आपने कैसे काम करना है। ये आपने अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये सिखाया हुआ है कि जो भी आया तो उसको पकड़ के जलील करो, उससे सवाल करो कि आपने कहाँ जाना है, फिर वो बताएगा जी मैंने यहाँ जाना है, फिर आपने कहना आगे से जी आपका तो कार्ड लगा नहीं है। तो आप ये मतलब टाइम वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है ना। फिर आपको बोलेंगे गाड़ी साइड पर लगाओ और फिर आप जो है ना उधर जा कर एंट्री करवाओ। क्यों भाई, क्यों एंट्री करवाएं हम उतर के गाड़ी से, आप सिक्योरिटी गार्ड हो, आप तनख्वाह ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होके। आप हमारे से आईडी कार्ड लो, वहाँ पर अंदर तस्वीर बनाओ उसकी, उसको स्कैन करो, जो मर्जी है करो, आप करो, आपको सिक्योरिटी इशू है, आप लेके करो ये काम जो भी करना आप लोगों ने। ऐसे जलील करते लोगों को, सबसे बड़ा दुख मुझे तब होता है जब ये लोग जो है ना मज़दूरों को, घर में काम करने वाले जो लेडीज़ होती हैं उनको ये तंग करते हैं, गरीब तबके को ये बहुत तंग करते हैं। यकीन करें सुबह सुबह जो है ना मैं देखता हूँ ना, मेरा दिल दुखता है, बेचारे जो है ना सब मज़दूरों को उनको रोका होता है मोटरसाइकिल वालों को, और उनसे जो है ना एंट्रियाँ करवा रहे थे, लंबी लाइन बनी होती है, ठीक है ना। ये लंबी लाइन है बेचारों की, क्यों, बेचारे गरीब हैं कुछ कर नहीं सकते, लाइन में खड़े हुए हैं, गर्मी है सर्दी है, वो एंट्रियाँ करवा रहे हैं, ठीक है ना। आप उनका जो है ना आईडी कार्ड लो, जल्दी जल्दी स्कैन करो, उनको जाने दो, आगे कैमरा लगा होता है, एक कैमरे के आगे आप करो, ठीक है, ये फर्स्ट करो, ये आईडी कार्ड है, ये आपके ऊपर जो है ना कैमरा लगा होता है, ऐसे आप कैमरे के नीचे ऐसे आईडी कार्ड करो, फिर ऐसे करो, आपका कार्ड स्कैन हो गया, आप अगले को बोलो जी जाओ आप, बात ख़त्म। ये क्या बकवास है कि आप उनको जो है ना उतार के सवारियों से और पैदल जा रहे हैं उनको रोक के, उनको बोलो कि लाइन में लग जाओ, अब आपके ना वो होगी, फिर एक एक चीज़ लिखते हैं आप किधर से आए हैं, आईडी कार्ड नंबर क्या है, कहाँ जा रहे हैं, किस घर में जा रहे हैं, ठीक है ना। अजीब बातें यार, कसम से मैं खिलाफ़ हूँ इस चीज़ के।
अच्छा गाइस, DHA पहुंच गए यहाँ पे। चेक करते हैं क्या सीन है। गुलशनाबाद राइड आ रही है और 17 किलोमीटर 620 की। फिर उसके बाद ये छोटी सी राइड है न्यू टाउंगा, आगे ये भी छोटी राइड है मिनी की राइड आ रही है। सदर की राइड मुझे ना कब से आ रही है, DHA 2 से इसने सदर जाना है, ठीक है। और पिकअप पॉइंट है 2.6 किलोमीटर, 14 किलोमीटर 530, ठीक है ना। तो ये ऐसी राइडें आ रही हैं इस टाइम। गाइस ये राइड आ रही है, आप चेक करें, ठीक है। अब ये 30 किलोमीटर की राइड है, 1 घंटे की इसमें टाइम आ रहा है, ठीक है। अब ये 1,000 रुपये आप बोल रहा है। यहाँ से आप जा रहे हैं फेज 7, फिर फेज 8 जाएंगे। अभी मैं फेज 8 से लेके आया हूँ राइड, ठीक है, 600 रुपये में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो 600 रुपये ये कर लो। और मैं सदर जो है ना 1,100 रुपये में गया था, ठीक है, उस दिन। आप चलो 900 रुपया कर लो, ठीक है। 900 और 600 कितने होते हैं, 1,500 रुपया बनता है इस राइड का। और इसका मैक्सिमम 1,300 रुपया फेयर आ रहा है। तो ये ऐसी राइड जो होती है आप मत उठाया करें। ये मिनी की राइड है और जिसमें एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन हो ना, आप वो राइड मत उठाया करें। इसमें 1, 2, 3 है, ठीक है ना, 3 डेस्टिनेशन है। तो इसमें यह है कि आपको नुकसान होगा, ऐसी राइड आप मत उठाएं। बड़ी मेहनत करने के बाद मेहनत रंग ले आई, बड़ी मुश्किल से राइड मिल गई मुझे। गीगा मॉल से पिक करना है और उसको ड्रॉप करना है नेवर एनकरेज। और अभी आप देखें ना, 3:40 हो गए हैं, 3:40 पे जाके मुझे राइड मिली है। मतलब कि ये चेक करें, 3:40 पे राइड मिली है, घंटे बाद मुझे राइड मिली है। और अभी मैं इसको पिक करने जा रहा हूँ। 700 रुपये की राइड है, टोटल 10 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छा गाइस, नेवल केयर से मुझे नई राइड मिली है और इसको लेके जाना है गुलजारे कैद के पास जहाँ पे शनवारी है। 10 किलोमीटर का रास्ता है, 590 रुपये की राइड है। अभी कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ, अब वेट कर रहा हूँ कस्टमर का। अच्छा गाइस देखिए, मैं अभी पहुँच गया फेट में, ठीक है। अब बड़े मज़े की स्टोरी हुई है मेरे साथ। हुआ ये है कि कस्टमर को जो है ना, मैंने गुलजारे कैद के पास जैसे ही रोका ना, डेस्टिनेशन पे पहुँच गया मैं। तो वहाँ पे लेडीज़ थी ना, उनको मैं ले गया था नेवल एनकरेज से। तो उनके 590 बनते थे। खैर उन्होंने ना अपने हस्बैंड को कॉल की, वो आ गए, सामने बैंक था जैस का, तो वो वहाँ से आए। तो उन्होंने उनसे चाबियाँ ली और फिर उनको बोला कि दोबारा जाना है हमने आगे सेंटोरस मॉल। मैंने कहा ठीक है, ले जाऊँगा। उन्होंने राइट डाल दी सेंटोरस मॉल की। सेंटोरस राइट, जब सेंटोरस मॉल की राइट डाली तो 600 रुपये की डाली मिनी की ना। तो मिनी की जब राइड डाली तो मुझे राइड आई तो मैंने 800 बोल दिया ना, जो सबसे फुल फेयर 800 रुपये बोल दिया। तो वो लेडीज़ कहती है आपका तो उसमें नाम नहीं आ रहा, बाकी गाड़ियाँ आ रही। मैंने कहा ये लिखा हुआ नीचे नाम ये मेरा है। कहती 800 है, 800 तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आप एक काम करें, सीधी बात मैंने की है, मैंने कहा आप कोई और गाड़ी कर लें जो कम पैसों में लेके जा रहा है। खैर उन्होंने फिर ना कैंसिल करके ना मुझे बोला कि आप मुझे ले जाएं। अच्छा गाइस ये सामने जा रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं दो लोग जा रहे हैं। इन्होंने अभी आप मुझे बोला है कि हमने ना G6 जाना है, ठीक है। अच्छा गाइस ये अभी मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया, ये जा रहे हैं। इनको सेंटोरस मॉल से मैंने पिक किए। सेंटोरस मॉल के बाहर ही मैं खड़ा था तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। तो ये आगे मेरे पास ये कहते हैं हमें जो है ना इधर एम्बेसी लेके जाओ, ये अतर तुर जो है ना एवेन्यू यहाँ पे। मैंने बोला ले जाऊंगा। मुझे बोलते हैं कितने पैसे, मैंने कहा 400 ना। मैंने मुनासिब पैसे मांगे ना, क्योंकि ये था तकरीबन 5.5 किलोमीटर का रास्ता। मैंने 450 सॉरी 400 बोल दिए। तो मेरी आदत है मैं ज़्यादा नहीं बोलता, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला हम 300 देंगे। मैंने कहा नहीं, 300 पर भाई मोटरसाइकिल जाएगा। खैर ये चले गए, फिर वापस आ गए, बैठ गए, मैं इनको ले आया यहाँ पे। तो गाइज ये सीन ये हुआ ना कि अब वो जो लेडीज़ थी ना, उन्होंने राइड डाली और फिर उसके बाद ना मिनी की राइड डाली थी। तो वो कहती है मुझे 700 की आ रही। मैंने कहा आप चले जाएं किसी और गाड़ी के साथ, मैं 700 में नहीं जाऊँगा। तो खैर वो मैं उनके ले आया, मेरा कमीशन भी बच गया, वरना 80 रुपये कमीशन भी करता अगर मैं 800 रुपये की राइड उठाता। तो बड़ी अच्छी राइड थी। और ये जो उठाई ये भी प्राइवेट थी। ये दो राइडें मैंने प्राइवेट की हैं, एक ये 400 की और एक वो 800 रुपये की। अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ G6 में, अभी देखते हैं यहाँ से कौन सी राइड मिलती है। अच्छा यहाँ से मुझे राइड आ रही है G5 से, ठीक है। और ये 15 किलोमीटर का रास्ता है, इसको मैं 750 बोल रहा हूँ और ये नहीं मान रहा। मैंने इसको पहले 800 बोला है, नहीं माना। अभी मैं इसको 750 बोल रहा हूँ, नहीं मान रहा। देखते हैं मानता है नहीं मानता। ये ना माना अब तो तीसरी बार है मेरी, ठीक है। अगर ये इसने ना माना तो फिर मैं कोई और राइड देख लेता हूँ। नहीं मान रहा, ठीक है। अभी बाबू इरफान की राइड आ रही है, बाबू इरफान लेके जाना है इसको 9th Avenue से यहाँ पे, ठीक है, स्टेडियम रोड। ये 580 इसको बोलूँ, 650 नहीं मानेगा मुझे पता है, क्योंकि इसको अंदर काफ़ी छोड़ना है, इसलिए मैंने जो है ना 650 बोला है। 12 काऊ। और ये दोबारा इसको ऑफर देते हैं, आई होप मान जाए, क्योंकि और कोई राइड आ नहीं रही अच्छी। ये अजीम टाउन की कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए,
डॉग बाबू वाला भी नहीं मान रहा, बारह काऊ तो जाना नहीं है, बाइकआउट किया हुआ है। नीचे फिर G9 की राइड आ रही है, ये G9 की आ रही है, इसको कितना बोले बंदा, अब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स यहाँ से पिक करना है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और फिर इसको G9-4 लेके जाना है। 550 बोल रहा हूँ, नहीं मानेगा जी, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में जाना मुझे नहीं समझ आ रही, भी कोई ड्राइवर नहीं नज़र आ रहा मुझे, क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, अदरवाइज ये राइड अभी तक यहाँ से गायब हो चुकी होती। 600 G5 से जाना है G10-2, 10 किलोमीटर का रास्ता है, 600 बोला है, लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल में एक ही ड्राइवर है जहाँ पे, एक में हूँ, दो बंदे हैं, मेरे ख्याल बारिश हुई शापर गायब हो गए। लो जी नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, दोबारा ऑफर देते हैं, आई होप के मिल जाए, देखते हैं। 10 किलोमीटर की राइड है गाइस, ये इजी पैसा वाली राइड है, ये देखें इसका मतलब, ये हम दो बंदे ही खड़े हैं यहाँ पे, ये तीसरा ये भी खड़ा हुआ है, ये शायद काम में लगेगा, लेकिन नहीं नहीं हुआ। ये मोहल्ला आर्या, ये काफ़ी रश वाली जगह होगी, ये कमेटी चौक, इसको मैं 900 बोलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अतरतुर्क एवेन्यू G5, अतरतुर्क एवेन्यू 2 G5, आर्या मोहल्ला मरीर लेके जाना है इनको। तो एक ये भी है ड्राइवर, ये आई थिंक मिनी वाला ही है, और कोई राइड नहीं मिल रही। मैं 900 इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे रश होगा मरी रोड में इस टाइम, इसलिए मैं 900 बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको 800 में भी ले जाता, लेकिन ये लोग 50-100 रुपये बचाते हैं अपना। ये कुछ लोग खड़े हैं, इनसे पता करते हैं इन्होंने कहाँ जाना है, क्या पता राइड मिल जाए प्राइवेट। अच्छा गाइस, राइड तो कैंसिल होगी, मैं जा रहा था पिक करने, कैंसिल होगी। अभी ये पीछे पैसेंजर खड़े, इनसे मैंने पूछा है किधर जाना है, कहता है पारा जाना है, न्यू पारा। मैंने बोला 300, कहते नहीं, मैं ही साइड पर खड़ा हो गया, मैं भी नहीं जा रहा, बात ख़त्म। अभी देखते हैं कोई नेक्स्ट राइड मिले तो जाते हैं। अच्छा गाइस, मुझे नेक्स्ट राइड मिल गई है, आप यकीन करें ये राइड मुझे इतनी मुश्किल से मिली है ना, आप सोच नहीं सकते। मैंने इस राइड को, इसने पहले फेयर डाला हुआ था 600 रुपया, ठीक है, इसको मैंने, यकीन करें मैंने 8 दफ़ा ऑफ़र दी है, 8 दफ़ा ऑफ़र देने के बाद मुझे ये राइड मिली है। ये 600 का फेयर इसने डाला हुआ था कस्टमर ने, ठीक है, मैंने इसको 700 बोला, फिर इसने फेयर कम कर लिया, फिर इसने 550 कर लिया, फिर भी मैंने इसको 700 ऑफ़र दिया, फिर मैंने एक टाइम पे 650 भी दिया, ये नहीं माना, फिर मैंने मुस्तकिल में इसको जो है ना 700 का ऑफ़र देता रहा, अब ये मान गया, ठीक है। अभी मैं कस्टमर को जो है ना पिक करने जा रहा हूँ, इसको कस्टमर को लेके जाना है अलनूर कॉलोनी, अलनूर कॉलोनी है खाना पुल के पास, वहाँ पर लेके जाना है। टोटल जो है ना 13 किलोमीटर का रास्ता है, 13 से 13.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो अभी कस्टमर को पिक करने जा रहे हैं। गाइज ये चेक करें, कस्टमर मुझे इतनी तंग गली में ले आया है, ठीक है ना, इसको मैंने बोला इधर आप, मैंने बोला आप बाहर ड्रॉप हो जाए, क्योंकि लोकेशन तो बाहर की थी ना, इतनी तंग गली में ले आया है, देखें कितना रश है यहाँ पे। अब इतना लंबा रास्ता था ये, तकरीबन आगे जो है ना तकरीबन 200 मीटर मैंने अंदर छोड़ के आया हूँ, तो बड़ी तंग जगह थी ये, लोकेशन तो ये बाहर की थी, ये बेकरी है इसकी थी, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, फिर कुछ बोलो तो फिर ये जो है ना रेटिंग ख़राब कर देते हैं और क्या। अच्छा गाइस, अनूर कॉलोनी में कस्टमर को ड्रॉप कर दिए, तो मुझे राइड आ गई है, इसको लेके जाना है कोरंग टाउन, ठीक है, PWD की बैक साइड पे एक जगह है जिसका नाम है कोरंग टाउन, ठीक है, वहाँ लेके जाना है। 11 किलोमीटर का रास्ता है, 600 रुपये की राइड है, और अभी कस्टमर को पिक करने जा रहे हैं, और ये राइड मिनी की है। और बाकी ये है कि मैं वहाँ पे खड़ा था, अभी मैं जहाँ से राइड लेके आया हूँ G6 से, आप यकीन करें वहाँ G6 से मुझे राइड आ रही थी कोरंग टाउन की, PWD की ना, PWD की आ रही थी, वो करंग टाउन के साथ ही है, वहाँ से राइड आ रही थी 600 रुपये में, ठीक है, तो मतलब कि उसका मैक्स फेयर था 900 रुपया, ठीक है, 900-950, तो उतने में जो है ना कस्टमर नहीं आता। तो आप देखें, मैंने अगर वहाँ से अगर आप 900 में भी आते हो तो उससे बेहतर ये राइड नहीं है जो मैंने ली है। मैंने दो राइडें ली है, एक 700 की ली है, एक 600 की ली है, ठीक है, मेरा अलहमदिल्ला 1300 रुपये बन जाएगा कोरंग टाउन जाते जा रहे, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट आता तो मुझे पड़ती तकरीबन ये राइड 900 रुपये में, बहुत होता तो 950 रुपये मिल जाता, लेकिन कस्टमर नहीं देता, क्योंकि वो मिनी की राइडें डालते हैं लोग, ठीक है, और वहाँ से G7 से लोग कोरंग टाउन चले जाते हैं 800 रुपये में, 850 रुपये में, तो ये सीन होता है। आप छोटी राइडें लें, ठीक है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, छोटी राइडों से काफ़ी फ़ायदा होता है, और जितनी छोटी इवन मतलब जितनी छोटी राइड होती जाती है ना, आपका जो है ना प्रॉफिट रेट वो बढ़ता जाता है। तो कोशिश किया करें कि छोटी राइडें लिया करें, छोटी राइडों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा गाइस, कस्टमर की लोकेशन में मैं पहुंच गया हूँ, और अभी ये सीन है कि बारिश है ना, तो सारे शापर उड़ गए हैं, ठीक है, भाग गए सारे, तो बारिश में बहुत कम लोग काम करते हैं, तो बारिश में काम करना वैसे ही मुझे शौक है ना,
बारिश में काम करता हूँ, मेरा शुरू से है, जितनी भी मेरे पास गाड़ियाँ थी मैं जब बारिश होती थी ना मैं ज़रूर काम करता था, ठीक है ना। बस एक पसंद है अपनी बारिश में काम करने का, बारिश इंजॉय करता हूँ मैं, ठीक है ना। बारिश होती है सही मज़े की, बारिश हो ना जिस तरह भी हो रही है, तेज़ हो जैसी भी हो, मज़ा आता है काम करने का, ठीक है ना। वो ठंड और डर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा गाइस, मैंने छोटी सी राइड उठाई है, मिनी की राइड है, और इसको जो है लेके जाना है यहाँ से पिक करना है, ये PWD का जो स्टार्ट है वहाँ से पिक करना है, उसको चीजीएस पे पास ड्रॉप करना है। छोटी सी राइड है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की राइड है, 350 रुपये मैंने ली है, और क्योंकि यहाँ पे अब कोरांग में जो है ना यहाँ पर राइड नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा PWD की तरफ जाते हैं छोटी सी राइड लेके, वहाँ से इंशाल्लाह ये अगर राइड अच्छी मिल जाएगी। गाइस बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है और काम का मज़ा भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शापर नहीं नज़र आ रहे। अब ये कि थोड़ी अच्छे फेयर पर राइड मिल रही है, जो जायज़ पैसे उन पर, इस तरह नहीं है कि बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा पैसे लूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, बस जायज़ पैसे मिल रहे हैं, इनफ है। गाइस चेक करें, राइडें ही राइडें हैं, इतनी राइडें हैं, चेक करें, भला राइडें ख़त्म ही नहीं हो रही, इतनी राइडें, ये चेक करें आखिरी राइड है ये, इसको मैं लेके जाऊंगा, ये चेक करें, इसको मैं अब 600 बोलता हूँ, इतनी राइडें हैं ना, मतलब कि PWD में इस टाइम, और ड्राइवर कोई नहीं है, तो इसको मैंने पहले 600 बोला, इसने नहीं माना, अब ये मान गया, ठीक है ना, आज तो ये ज़रूर मानता, क्योंकि अब है बारिश और ड्राइवर कोई नहीं है। अच्छा गाइस, इतनी राइडें हैं ना इस टाइम PWD में, राइडों की भरमार है, ठीक है ना, मतलब कि मज़ा आ गया, ठीक है ना, बहुत राइडें हैं। और अभी मुझे यहाँ से राइड आ रही थी फैज़ाबाद की, ठीक है, 18 किलोमीटर की, वो 990 रुपये बोल रहा था, मैं नहीं लेके गया, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो अभी ये है कि यहाँ से भी मुझे जो है ना राइड मिली है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, Phase 7 लेके जा रहा हूँ इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। तो पहले ये राइड जो है ना, इसने समझा कि शायद बहुत ड्राइवर होंगे और कम पैसों में ले जाएंगे, इनको ये नहीं पता कि इस टाइम ड्राइवर कोई नहीं है, तो पहले इसको 600 बोला, ये नहीं माने, ठीक है ना, अब मैं दोबारा 600 बोला, मान गए, ठीक है ना, तो क्योंकि और कोई है ही नहीं गाड़ी, मर्ज़ी का रेट मिलेगा, लेकिन ये है कि ज़्यादती नहीं करनी, अगर 10 किलोमीटर के 600 बनते हैं तो 600 ही लूँगा मैं, 700 नहीं लूँगा, ज़्यादा पैसे मांगो, ये करो वो करो, नहीं। मुझे याद है उस दिन सिग्नल नहीं थे, ठीक है, और मेरे मतलब मैं घर में बैठा हुआ था, वाईफाई मेरा ऑन था, सिग्नल नहीं थे, मैंने सोचा अब जो है ना वही लोग ऑनलाइन होंगे जिनके पास जो है ना डिवाइसें होंगी, वो जो इंटरनेट वाली डिवाइस होती है ना, वो जिसके पास होगी ना सिर्फ वो ऑनलाइन होगा। मैंने राइड डाली इधर से सदर की, ठीक है, सदर की राइड डाली, उस बंदे ने 1400 बोला है वैगनार वाले ने, क्योंकि वो अकलौता बंदा उधर खड़ा था जिसके पास इंटरनेट था। तो ये सीन होता है, तो मतलब ये सीन है, अगर मैं उसकी जगह होता मैं 1400 ना मांगता, खैर मैं 1100 मांगता, तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए ना, ना ज्यादती करो ना होने दो अपने साथ। अच्छा गाइस, मैंने Phase 7 में राइड को ड्रॉप किया ना, तो साथ ही मुझे राइड आ गई है, इसको लेके जाना है Phase 8 लेके जाना है Phase 7 से। ट्रस्ट मी, ये मैक्सिमम 4 किलोमीटर का रास्ता है, 4 किलोमीटर के मुझे 450 दे रहे हैं, ठीक है ना, और ये मैंने कस्टमर फेयर पे उठाई है, ठीक है ना, और ये राइड जो है ना गो है, ठीक है, मिनी नहीं है। और अच्छा गाइस, राइड ड्रॉप कर दिया, आप चेक करें मेरी गाड़ी कितनी चली है, 106 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा था आज, आज काम तकरीबन पहली राइड लेके दूसरी तीसरी राइड के बाद काम बहुत अच्छा हो गया था, जब मैं सेंटोरस पहुँचा था तो काम बहुत अच्छा हो गया था। तो अभी यह है कि मैं जब तीसरी राइड उठाई थी ना यहाँ से, मतलब मैं गया था गीगा मॉल से मैं चला गया था नेवल एनकरेज, तो नेवल एनकरेज जा के मैं थोड़ा परेशान हो गया ना, मैंने कहा यार आज जो है ना यहाँ से अपनी राइड मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे राइड मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी राइड मिल गई। तो अब ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 राइडें प्राइवेट भी मिली हैं। अब चलते हैं ऐप की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ आज मेरी कितनी अर्निंग हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना कमीशन मेरा कटा है आज, तो और कितना मेरा पेट्रोल लगा है गाड़ी का। तो चलते हैं ऐप की तरफ, ऐप पे आ गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जगह आ रहा है कि 4590 रुपये, मतलब कि प्राइवेट राइड उठाई है, वो 2 राइडें उठाई मैंने प्राइवेट, एक वो थी जिसको मैं सेंटोरस ले गया था और दूसरी जिसको मैं G6 ले गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे आप लिखते हैं 4600, ठीक है, 4600 ये हो गया, इसमें प्लस करेंगे, एक 800 रुपये की सवारी थी सेंटोरस की और एक थी
G6 की 400 रुपये की, तो 5,800 रुपये मेरा आज की अर्निंग है। और इसमें से हम अब पेट्रोल निकालेंगे, पेट्रोल मेरा तकरीबन 100 किलोमीटर गाड़ी चली है तो पेट्रोल मेरा लगा है 5 लीटर, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 276, तो ये आ गए 4,420 रुपये। ठीक है, अब मेरा कमीशन कटा है तकरीबन 4,600 रुपये कटा है, 460 रुपये, ठीक है ना। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, 460 रुपये मेरा इन ड्राइवर का कमीशन काट गया, तो ये मेरी आज की बचत है गाइस 3,960 रुपये। अच्छा गाइस, आज मेरी जो है ना प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 4,000 रुपया हुआ है, 3,960। तो आज मेरी गाड़ी भी काम चली है और अर्निंग भी अच्छी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन था, बारिश थी, इसी वजह से काफ़ी ड्राइवर जो थे वो आज ऑनलाइन नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे ये है कि जो फेयर मैं चाहता हूँ वो मुझे मिला, ठीक है ना। तो ये सीन है, बाकी ये है कि जो जायज़ पैसे बनते थे वो मैंने कस्टमर से लिए, ठीक है, नाजायज़ नहीं लिए। अब अगर कोई मुझे शापर कहता है तो आई नेवर माइंड, इट्स ओके, कह दो, तो जो बनते हैं वही मैं लेता हूँ, ठीक है ना। अब 10 किलोमीटर के 600 बहुत सही है, ठीक है ना। 600 का मतलब है कि मेरी गाड़ी का टोटल जो है ना पेट्रोल और कमीशन निकाल के 200 रुपया मेरा ख़र्चा बनता है, तो मुझे 400 रुपया बचता है, ठीक है ना। 10 किलोमीटर की राइड जब मैं उठाता हूँ 600 रुपये में, तो मुझे 400 रुपया बचता है, ठीक है, पेट्रोल और कमीशन निकाल के। तो मेरे लिए आई थिंक 400 रुपये इनफ है एक राइड के जो 10 किलोमीटर की है। तो बाकी ये है कि ज़्यादती नहीं करते, ठीक है ना, गलत बात नहीं करते। ये है कि मैं अब 10 किलोमीटर के 600 बनता है, मैं 700 मांगना शुरू कर दूँ, 800 मांगूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी किसी क्रीम बाइक या यंगो या इन ड्राइवर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मुझे आप जो है ना नीचे वीडियो में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। जो भी छोटा मोटा मसला हुआ, अगर कोई बात लंबी हुई तो फिर इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।